सबसे पहले इसे ऑन किया कंट्रोल डिवाइस को, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेस्ट को रन करना यहाँ पर, ठीक है। जो टेस्ट हमने परफॉर्म करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हमने कंप्रेशन टेस्ट करना है इसे सिलेक्ट किया, ठीक है। ये टेस्ट नंबर आईडी वगैरह जो है वो आप खुद से भी कोई भी मेंशन कर सकती हैं। इसके बाद ये यूज़र नेम, और यहाँ पर हमने जो एरिया है इसका एरिया हमारे पास क्या टेस्ट है, नंबर, टेस्ट नंबर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? ये यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है, ये 16 17 कोई भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो ये आईडी है इसे भी सिलेक्ट करने के बाद कोई भी टेस्ट आईडी वगैरह जो है वो सेम एज इट इज लिख सकती है। इसके बाद हमारे पास एरिया आ जाना है, इसका एरिया हमारे पास इनके 2 इंच है, 1 इंच में 25 mm यानी 50 mm एक साइड का हो गया, 50 × 50 ये हमारे पास 2500 mm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका पीक लोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि हम इसके कितने लोड तक हम इसे रखें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 3, इसे हम 4 कर लेते हैं। इसके बाद पर लोड इसे 2 और टेस्ट स्पीड हमने जो है वो एज पर स्टैंडर्ड रखनी होती है कि ASTM स्टैंडर्ड के ऊपर क्या है सर, वो उसमें मेंशन नहीं थी तो था ना सर, चेक किया वो नहीं, नहीं मिली, ये नहीं हो सकता था आपको बताए ना। टेस्ट पीक लोड कौन सा होता है? पीक लोड इसका इंतहाई लोड, इंतहाई लोड और रील प्री लोड। अगर फॉर एग्जांपल है हमारा पीक लोड इससे कम हो, अगर फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, अगर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे भी कम हो तो हमारा जो UTM मशीन है वो एज पर प्रोसेस जो है वो चलती जाती है, ठीक है। 4 लीटर पूरा फिर बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है लोड अगर आपका जो पीक लोड है उससे ज्यादा होगा जो आपने मशीन में डिफाइन किया है जी, तो मशीन रुकेगी नहीं आफ्टर क्रशिंग, वो चलती है। इसके बाद पहले यहाँ पर इसे सेव कर लें, ठीक है। सैंपल लगाओ पहले, ये सैंपल इस तरह लगा इसे इस तरह सेंटर में रख लें, ठीक है। देखो ये दोनों इसके हैं अप और डाउन, इस नीचे ले डाउन कर दो। मेरे क्यूब सारा ख़राब है, इस तरह क्यूरिंग करते हैं, क्या किया है तुम लोगों ने? सैंपल तुम्हारा ठीक है, ये जो कलम किए थे वो है, क्यूब की शक्ल ही वो नहीं है, वो देखो सारे उसके एजेस ख़राब हैं, इतनी इतनी बड़ी कैविटीज़ हैं उसके अंदर, तुमने उसको नहीं वाइब्रेट नहीं किया क्यूब बनाते हुए? किया था सर उसको, इस तरह तो नहीं वाइब्रेट होता, वाइब्रेशन के बाद अगर इतने इतने बबल्स उसके अंदर आ रहे हैं तो क्या किया तुम लोगों ने? सर ये हमारे पास जो है वो 2-3 वीक पहले के हैं। चलो लगाओ, लेकिन 2-3 वीक पहले का भी हो, सीमेंट फ्रेश लेके आए थे, पुराना यूज़ किया है लग गया, ठीक है, ठीक ठीक फ्रेश लेके आए थे तो पुराना सीमेंट यूज़ किया है, ये पुराना ही होगा। प्री लोड ज़्यादा रखा हुआ था जी सर, तो फिर उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, को एक गर्व से सारा वो खत्म हो गया। देखो ये हो गया था, अब देखो ये लोड कितना गया, 12 गया है, हमने पीक लोड रखा हुआ था तो ये अब ऑटोमेटिकली रुकी है, पिछली बार 4 भी पहुँचे नहीं, मशीन ऑटोमेटिकली चली जा रही, हमें खुद से रोकना पड़ता है उसको, ठीक हो गया। तो वो आपने वो इम्पैक्ट लोड आ गया ना, इस तरह आप ये सर।